आपके साथ रोहित सरदाना और लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। किसान आंदोलन आज किस तरीके से बेकाबू हो गया। देश की राजधानी दिल्ली में अराजकता की स्थिति हो गई और दिल्ली में हुए इस हुड़दंग पर गृह मंत्रालय अब हरकत में आया। गृह मंत्रालय की बैठक इस समय चल रही है, आला अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक इस समय हो रही है। दिल्ली की हिंसा को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। जितेंद्र बहादुर मेरे सहयोगी इस वक्त और जानकारी लेकर आ रहे हैं इसी पर, बताइए जितेंद्र। देखिए रोहित, जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किसानों की तरफ से बहुत सारे ऐसे लोगों ने उपद्रव किया है, जिसमें आईटीओ की अगर स्थिति देखें, इसके अलावा जो दूसरी जगहों पर लाल किले में किसान पहुंच गए और वहां पर उन्होंने झंडा भी फहरा दिया, ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिल्ली में किस तरीके से बिगड़ी, क्योंकि किसानों के साथ कई दौर की बैठक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की हुई थी और सीनियर अधिकारी इस बैठक में शामिल थे, ऐसे में किस तरीके से किसान बचते हुए सिंघू बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से और अन्य जगहों से लाल किले तक पहुंच गए, इन तमाम चीजों को लेकर के गृह मंत्रालय के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक चल रही है और उसमें ये जानकारी दी जाएगी कि अब सिचुएशन क्या है, क्योंकि लाल किले पर अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर हैं जो किसानों के वहां पर मौजूद हैं और उसके बाद यहां से निकलने की के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से उनसे कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे अन्य बॉर्डर हैं वहां पर भी अब किसान अपना जो पूरा जो जिस सर्कल में उनको घूमना था वहां से निकल करके पहुंच रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरीके से बहुत सारे किसानों ने अपने हाथों में लिया, कई जगहों पर पत्थरबाजी भी करने की कोशिश की, इन तमाम चीजों पर गृह मंत्रालय काफी देर से नजर बनाए हुए था और इसी वजह से गृह मंत्रालय की तरफ से एक ऑर्डर भी आया जिसमें इंटरनेट 12 बजे दिन से कई बॉर्डर के इलाके जो है वहां पर उसको भी सस्पेंड किया गया था, टेम्परेरी तौर पर इंटरनेट सस्पेंड किया गया था, लेकिन गृह मंत्रालय अब इस चीज को लेकर के कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों बिगड़ी है उसको लेकर के एक अहम बैठक कर रहा है और इसके बाद आगे किस तरीके से कदम बढ़ाने हैं उस पर चर्चा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र बहादुर फिलहाल ये जानकारी देने के लिए, वापस लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स लेते रहेंगे। जितेंद्र बहादुर बता रहे हैं दिल्ली में हुआ हुड़दंग पर इस वक्त गृह मंत्रालय बैठक कर रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी किया है, हिंसा की निंदा की है, लेकिन सवाल ये कि जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्या लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी को जिम्मेदार माना जाए या फिर उन किसान नेताओं को जिम्मेदार माना जाएगा जिन्होंने वादे किए थे और उसके बावजूद ये वादा खिलाफी हुई और किसान आंदोलनकारी वो अलग अलग रास्तों से हुड़दंग करते हुए दिल्ली के कई हिस्सों में घुसे और वहां पर टकराव की नौबत आई सुरक्षा एजेंसियों के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ सीधे सीधे गाजीपुर बॉर्डर पर आपको लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ कुमार कुणाल इस वक्त वहां से लाइव मौजूद हैं, अपडेट वहां से दे रहे हैं। कुमार कुणाल बताइए गाजीपुर बॉर्डर के हालात इस समय कैसे हैं, वहां की स्थिति क्या है? देखिए हम तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो ट्रैक्टरों का लौटने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और बड़ी तादाद में ट्रैक्टर वापस लौट करके आ रहे हैं। जो रूट थी उसको पूरा करके कुछ ट्रैक्टर आईटीओ की तरफ भी गए थे, वहां से भी हम लगातार जब अभी लौट रहे थे तो वहां से भी ट्रैक्टरों के लौटने का सिलसिला शुरू था। तो यहां पर तो स्थिति फिलहाल नियंत्रण में भी दिखाई दे रही है, शांतिपूर्ण भी दिखाई दे रही है, लेकिन जो हो हल्ला, जो हंगामा, जो हालात बेकाबू हुए हैं आज दिल्ली में आईटीओ पर खास तौर पर और लाल किले पर, उसको लेकर के गंभीर सवाल और ये भी सवाल है कि क्या ये जो आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण अभी तक माना जा रहा था, क्या इसके बाद आज के बाद जब पूरी तरह से इसको लेकर के सवाल ये है कि आखिरकार किसकी जिम्मेदारी है, किसने उन्हें नहीं रोका, जो उपद्रवकारी या जो आंदोलनकारी पहुंचे लाल किले तक या फिर आईटीओ तक, आखिरकार उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी। इस बीच में हालांकि ये तो बात अब ठीक तय है कि सबको कह दिया गया है कि वापस लौटने के लिए किसान संघ मोर्चा ने कुणाल वापस आते हैं आपके पास और जानकारी लेंगे। इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा ने हिंसा की निंदा की है, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी किया है और बयान जारी करके ये बात कही है कि इस तरीके की हिंसा से आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा। क्या संयुक्त किसान मोर्चा को इस बात का एहसास हुआ कि वो ग्राउंड लूज कर रहे हैं इस तरीके की घटनाओं के बाद? वो कह रहे हैं कि हम खुद को उपद्रवी तत्वों से अलग करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बातचीत के बाद, बाकायदे कई दौर की मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको अनुमति दी थी कि आंदोलन हो, वो परेड निकाल लें जिसकी वो मांग कर रहे हैं और ये कहते हुए कि गणतंत्र दिवस के दिन अगर देश के जवान परेड निकाल सकते हैं तो देश के किसान परेड क्यों नहीं निकाल सकते, देश के किसान ट्रैक्टर पर चलेंगे,
तिरंगा लेकर चलेंगे और देश के लिए ये गौरव वाली तस्वीर होगी। लेकिन लाल किले पर जिस तरीके से एक और झंडा फहराया गया तिरंगे के अतिरिक्त, क्या वो तस्वीर गौरव करने वाली है? क्या उसको देखने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा को इस बात का एहसास हुआ कि इससे उनके आंदोलन की जमीन खिसक सकती है, लोगों का समर्थन उससे हट सकता है, लिहाजा उन्हें अब यह बयान जारी करना पड़ा? कुमार कुणाल हमारे साथ लाइव मौजूद है गाजीपुर से, लगातार राकेश टिकैत से आप बात कर रहे थे। कुमार कुणाल, कुछ दिन पहले तक वो खुल के कहते थे कि अगर नहीं जाने देंगे तो फिर होगा वही जो होता है ऐसी परिस्थिति में, धमकी वाले लहजे में, लेकिन दो तीन दिन से कहने लगे थे कि नहीं, दिल्ली पुलिस से बात हो गई है, सब कुछ तय तरीके से होगा। अब कहां है राकेश टिकैत? देखिए, आज भी सुबह बात हुई थी राकेश टिकैत से हमारी, और उनका उस समय कहना था, उस समय बैरिकेड हटाए जा रहे थे, ट्रैक्टर के लिए रास्ता खोला जा रहा था, उस समय भी कह रहे थे कि हाँ हम जाएंगे और तरीके से जाएंगे, पुलिस कैसे तिरंगे पर गोली चलाएगी या उस पर कैसे हमला करेगी। ये सब सवाल अब इसलिए और उनका जवाब भी बेमानी हो जाता है क्योंकि जो तस्वीरें हैं और जो तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से बेकाबू हुए, अब कौन बेकाबू हुआ, किसने बेकाबू किया, संयुक्त किसान मोर्चा अपना पल्ला झाड़ रहा है कि वो हमारे लोग नहीं थे, तो थे किसके लोग, आखिरकार किस ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया, जब पूरी तरीके से कहा जा रहा था कि फूल प्रूफ हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग उसमें शामिल होंगे ट्रैक्टर रैली में, एक एक लोगों की शिनाख्त की जाएगी, पहचान की जाएगी, तो ये एक सवाल है। लेकिन उसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा का जो वक्तव्य आया है वो अपने आप को इस पूरी हिंसा से या जो भी घटनाक्रम हुआ है, चाहे लाल किले पर हुआ है या आईटीओ पर हुआ है, संयुक्त के साथ को अलग थलग किया है, कहा है कि हमारा जो मार्च था वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहा। लेकिन बात ये भी आएगी कि अगर किसान नेता है, अगर 40 किसान यूनियन के नेता जाते हैं सरकार से बातचीत करने के लिए, पुलिस से बातचीत करने के लिए, तो जो हिंसा होती है या जो गड़बड़ी होती है या जो उत्पात होता है उसको लेकर भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इसीलिए ये संशय उनके मन में जरूर है कि इससे किसान आंदोलन पर भी प्रभाव पड़ेगा, सरकार भी ज्यादा तरीके से उन पे अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालेगी, ये तमाम चीजें उनके मन में भी होगा। और इसीलिए शायद अब अपील की गई है कि सब लोग वापस आ जाएं, और वापस लौटने भी लगे हैं। हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो ट्रॉली पूरी तरीके से आ गई है रैली में शामिल होकर के, ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहाँ पर पूरी तरीके से ट्रॉली आ रही है, कुछ ट्रॉलियाँ लगातार रास्ते में हमें दिखाई पड़ रही है जो कि रास्ते से होते हुए गाजीपुर की तरफ बढ़ी है, कुछ उत्तर प्रदेश दोबारा जा रही है, जो जो लोग जहाँ से आए थे वो भी जा रहे हैं। लेकिन सवाल जो है वो अपनी जगह पर बदस्तूर जारी कि आखिरकार आज की जो घटना हुई है उसमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन का जो वादा था, जो दावा था, वो कहां गुम हो गया। चाहे राकेश टिकैत करते रहे हो या बाकी नेता करते रहे हो, उन्होंने खुल करके बोला था कि हम शांतिपूर्वक रखेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक तो हुआ नहीं, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं फिक्स तो करनी पड़ेगी। और शायद किसान मोर्चा को भी ये लगता है कि अब बारी आ गई है कि ऐसे तत्वों को कम से कम उनसे अपने आप को अलग किया जाए, नहीं तो आंदोलन कमजोर पड़ेगा और जो आंदोलन की जो रूपरेखा थी और जो दिशा थी वो भटक जाएगी। और इसीलिए ये विज्ञप्ति, ये सफाई उनकी तरफ से साझा की गई। वापस आते हैं कुणाल आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ गाजीपुर पर, कुणाल मौजूद है, देखिए लाइव तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। फरीदाबाद में लाठीचार्ज हुआ जब किसान आंदोलन बेकाबू हुआ, और नांगलोई में भी इसके अलावा बवाल हुआ जब किसान आंदोलनकारी बेकाबू हुए, जब उन्होंने बैरिकेड्स को ट्रैक्टरों से धकेल कर हटाने की कोशिश की और फिर पथराव की नौबत आई, तो उसके बाद लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा भी दिल्ली पुलिस को लेना पड़ा। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इस वक्त अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है। आपको बता दें आईटीओ में हालात बेहद बिगड़ गए थे ठीक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने। हैरानी की बात यह कि खुफिया एजेंसियों को अलर्ट होने के बावजूद, खुफिया एजेंसियों के अलर्ट पर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदे देश भर से ये बातें साझा करने के बावजूद कि किसान आंदोलन में इस तरीके के तत्व सक्रिय हो सकते हैं, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाले 26 जनवरी के दिन ऐसी तस्वीर पेश कर सकते हैं जो शर्मनाक हो, उसके बावजूद ऐसी घटना न सिर्फ हुई बल्कि पूरे किसान आंदोलन पर हावी हो गई है ऐसी तस्वीरें। जो आंदोलन दावा कर रहा था पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से कि शांतिपूर्वक चल रहा है, देखिए इतनी बड़ी तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, उसके बावजूद कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। उस आंदोलन की ट्रैक्टर परेड जिसको बाकायदे मंजूरी दी गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिसका रूट निर्धारित किया गया था, सुरक्षा इंतजाम जिसके लिए तय किए गए थे, वो सारे इंतजामों को, सारे नियम कायदों कानूनों को धता बताकर
देश की राजधानी में किस तरीके से घुसा और फिर क्या तस्वीर हुई है दिल्ली पुलिस और किसान प्रदर्शनकारियों के बीच में, वो आपके सामने और सबसे शर्मनाक तस्वीर लाल किले पर तिरंगे के अतिरिक्त एक और झंडा किसान आंदोलन का फहरा दिया गया, वो तस्वीर 26 जनवरी के दिन याद रखी जाएगी। और इस वक्त कुछ इलाकों में दिल्ली एनसीआर के इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, रोक दी गई हैं रात 12 बजे तक के लिए, ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। और साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का भी इंतजाम किया जा रहा है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अलर्ट इस समय किया जा रहा है। कुछ किसान घायल हुए हैं, एक किसान के बारे में बताया जा रहा है कि वो ट्रैक्टर पलटने की वजह से मारे गए हैं, और साथ ही कई पुलिसकर्मी भी इस पूरे घटनाक्रम में जो सुबह से अब तक चल रहा है दिल्ली में उसमें घायल हुए हैं, वो भी चोट खाने के बाद अस्पतालों में ले जाए गए हैं, उनका प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। तो ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है किसान आंदोलन की, जो आज ये कहा जा सकता है सीधे सीधे तौर पर कि बेकाबू हो गया। जो बातें इसके पहले कही गई थी किसान आंदोलन को लेकर कि पूरी तैयारी के साथ ये परेड निकलेगी, कहा जा रहा था कि पूर्व सैनिकों ने इसका रूट डिजाइन किया है, इसका पूरा प्लान बनाया है, पूरे अनुशासन के साथ ये किसान ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। वो ट्रैक्टर परेड ना रहकर अराजकता की परेड हो गई। आईटीओ दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां भयंकर बवाल किसानों और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच में हुआ ठीक पुलिस मुख्यालय के सामने। इसके अलावा नांगलोई में हंगामा हुआ, फरीदाबाद में लाठीचार्ज हुआ किसान प्रदर्शनकारियों पर जो दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर से आप देख सकते हैं किसान प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। हालांकि हर तरफ हंगामा और बवाल हुआ ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पर किसान ट्रैक्टर परेड बाकायदे ट्रैक्टर परेड की तरह ही निकली, तिरंगों के साथ निकली, और कुछ जगहों पर लोगों ने बाकायदे फूल बरसाकर उस ट्रैक्टर परेड का स्वागत भी किया। लेकिन बहुत से हिस्सों में जो वारदात हुई, जो घटनाएं हुई, वो शर्मनाक थी। किसान परेड के नाम पर 26 जनवरी के दिन जो कुछ हुआ वो वाकई लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाला था। सवाल खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों पर भी है कि सब जानकारी होते हुए भी, सब कुछ का अंदेशा होते हुए भी ये घटनाएं कैसे हो गई। लाल किले पर अब भी बड़ी तादाद में किसानों का जमावड़ा है। हालांकि आपको बता दें जो झंडा किसान प्रदर्शनकारियों ने फहरा दिया था उसे बाद में उतारा गया, और फिर वहां से किसान प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया। वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस समय कर दी गई है, लेकिन अब भी ट्रैक्टर पर सवार किसान प्रदर्शनकारी लगातार वहां पहुंच रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अब जब यहां तक आए हैं तो थोड़ी देर लाल किले में रुकेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे वहां जहां से प्रदर्शन शुरू हुआ था, यानी कि सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। इन तीन जगहों से किसानों को आने की अनुमति दी गई थी और उन्हीं तीन जगहों पर माना जा रहा है कि किसान आंदोलनकारी वापस लौटेंगे। तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आज सुबह से हुए घटनाक्रम की हैं। तय किया गया था बाकायदे समय के पहले राजपथ की परेड होगी 26 जनवरी की, वो खत्म होने के बाद किसानों को अपनी ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति दी गई थी। लेकिन राजपथ पर परेड जब चल रही थी उसी समय 11 से 11:30 के बीच कुछ जगहों पर, खासतौर पर मुकरबा चौक, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, इन जगहों पर विवाद की शुरुआत हुई, जहां आरोप यह है कि किसान प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टरों के जरिए पुलिस की बैरिकेडिंग को धकेलकर जबरदस्ती राजधानी में घुसने की कोशिश की। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, हंगामा हुआ, और फिर पुलिस को आंसू गैस के गोले फायर करने पड़े, और फिर नौबत लाठीचार्ज तक आई कुछ जगहों पर और आंसू गैस के गोले चलाने तक आई, जिसके बाद आप देख सकते हैं क्या कुछ हुआ। फरीदाबाद में आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया किसान प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। नांगलोई में भी हंगामा हुआ, किसान प्रदर्शनकारियों को पीछे करने के लिए पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी। और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां अब ट्रैक्टर वापस लौट रहे हैं। किसान प्रदर्शनकारी जो लाल किले तक पहुंच गए थे वो अब वापस लौट रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की तरफ, और सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर यहां निशान साहब फहराकर लाल किले पर किसान प्रदर्शनकारी क्या संदेश देना चाहते थे।
ये मानेसर की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं किसान प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए हैं और वहां नारेबाजी की जा रही है। क्या नारे लग रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी इस वक्त आप देख सकते हैं। ये हरियाणा का मानेसर है, दिल्ली से थोड़ी दूर पर गुड़गांव के पास, और वहां ये प्रदर्शनकारी सड़क पर इस वक्त डटे हुए हैं। वहां पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, किसान कानून वापस लेने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना खत्म कर दिया गया है संयुक्त किसान मोर्चा के बयान के बाद। ऐसा लगता है संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शनकारी किसानों को वापस लौटने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना खत्म हो गया है। वो सड़क खाली कर दी गई है अब दिल्ली से नोएडा आने वाली, जिस पर सुबह से अब तक काफी हंगामा और हल्ला हो रहा था। प्रशासन और किसान संगठनों की बातचीत में ये फैसला हुआ है, जिसके बाद इस सड़क को खाली करा लिया गया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का ये धरना खत्म करा दिया गया है, लेकिन आईटीओ पर अभी भी तस्वीरें कुछ इसी तरीके की हैं। तनाव वहां पर पसरा हुआ है, हालांकि किसान वहां अब भी डटे हुए हैं। मानेसर की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जहां बड़ी तादाद में किसान प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की, और ये तस्वीर जो इस समय आप देख रहे हैं ये मानेसर की तस्वीर है, हरियाणा के गुड़गांव के निकट मानेसर का इंडस्ट्रियल एरिया। वहां पर बड़ी तादाद में किसान प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। दिल्ली को जयपुर से जोड़ने वाला ये रास्ता है, और वहीं किसान प्रदर्शनकारी ऐसा लगता है कि सड़क पर बैठे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी वहां पर की जा रही है। किसान प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, और इसी मांग को लेकर आज 26 जनवरी को यह परेड भी निकाली गई थी। कुमार कुणाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से लाइव मौजूद हैं। राकेश टिकैत आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के लोग घुस आए हैं आंदोलन में, वो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अपनी जिम्मेदारी से भाग पाएंगे राकेश टिकैत और किसान नेता कुणाल? बिल्कुल यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा जो हालात जो थे वो उनके हाथ से निकल गए, खासतौर पर जो किसान जिनको बोला जाए प्रदर्शनकारी बोला जाए उन्होंने नहीं सुनी, जो लाल किले तक पहुंचे, जिन्होंने वहां पर उत्पात मचाया, उसको लेकर के सवाल तो है ही। और इसीलिए राकेश टिकैत भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सियासी कुछ लोग हैं जो उसमें अंदर आ गए और उन्होंने यहाँ पर इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इसकी आशंका तो पहले से भी रही होगी, जब उन्होंने ये तय किया था कि 26 जनवरी के दिन परेड निकालेंगे, जब उन्होंने तय किया था कि जो रूट तय किया गया है उस रूट पे जाएंगे, उस पर पुलिस उन्हें लेकर भी गई थी, वहां भी दिखाया गया था कि आप किस तरीके से किस रूट पर आपके वॉलंटियर रहेंगे, तो इन दोनों के बावजूद ना तो पुलिस उन्हें कंट्रोल कर पाई ना ही किसान नेता कंट्रोल कर पाए, तो ये एक तो बड़ा सवाल है पुलिस की रोल पर भी। और साथ ही साथ जो किसान नेता है जिन्होंने पुलिस के साथ मीटिंग की थी उन्होंने, उन पर भी ये सवाल उठता है कि आखिरकार जो लोग वहां पहुंचे लाल किले तक या फिर आईटीओ तक, वो पहुंचे तो पहुंचे कैसे, तो ये सवाल उठेगा। लेकिन अभी फिलहाल मोर्चा हो या राकेश जी कहते हो, वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है, जो लोग उत्पात मचाना चाहते थे वो शामिल हो गए थे, तो उनको भी पहचान करके वो सामने लाए, शायद उनकी तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि वो उनको सामने लाए, लेकिन ये तो पहचान होनी चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरी रैली का जो कि शांतिपूर्वक चलनी थी, जो 26 जनवरी को होनी थी, उसमें इस तरीके के लोग कैसे शामिल हुए। तो इनको पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है और किसान नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सामने लेकर के आए और ये सुनिश्चित करें कि ये जो आंदोलन पूर्णतया शांतिपूर्वक चल रहा था उसको आगे अगर चलाना है, अगर उसको भटकाना नहीं है तो आगे आखिरकार चलेगा तो चलेगा कैसे, उसकी रूपरेखा उनको तय करनी पड़ेगी। तो ये एक आज का सबक भी हो सकता है उनके लिए भी, पुलिस के लिए भी। लेकिन जो तस्वीरें हमारे सामने हैं वो बेहद
कई सवाल खड़े तो करती ही है और ये भी करती है कि आखिरकार 26 जनवरी का दिन अगर चुना गया था तो क्यों इतनी ज्यादा लापरवाही बरती गई। तो ये है, और इस बीच में हम आपको तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं रोहित, के किस तरीके से जो ट्रैक्टरों की वापसी हो रही है, वो जो प्रदर्शन करने कुणाल आपके पास कुणाल तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ट्रैक्टरों की वापसी हो रही है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर को खाली करा लिया गया है, प्रशासन और किसान संगठनों के बीच बातचीत के बाद ये बॉर्डर खाली कराया गया। दिल्ली से नोएडा आने वाली सड़क अब खाली हो गई है, लेकिन मानेसर पर बैठे हुए किसान प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में, वहां नारेबाजी चल रही है। आईटीओ पर भी अभी तनाव है, दिल्ली का केंद्र कहा जाता है आईटीओ एक तरीके से, इंडिया गेट के नजदीक, और वहां पर अभी तनाव है सुरक्षा बलों, पुलिसकर्मियों और किसान प्रदर्शनकारियों के बीच। इस बीच योगेश आज तक ने बात की है, किसान प्रदर्शन को लेकर जो रणनीतिकार थे उनमें योगेंद्र यादव भी एक माने जा रहे हैं, उनसे कुछ सवाल आज तक ने पूछे, वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। यहाँ पर किसान जो है ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं शाहजहांपुर बॉर्डर पर, हमारे साथ है योगेंद्र यादव, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से आप लोग इजाजत लेकर आए थे और दिल्ली में हिंसा हुई है, अपने आप में निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है गणतंत्र दिवस के दिन ऐसी हिंसा। मैं अभी यहाँ शाहजहांपुर वाले मार्च में हूँ और जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल अनुशासित तरीके से गिवन रूट पे चल रहा है। मैं आपको देख भी रहा था, कोई ट्रैक्टर अगर गलत दिशा में आ रही थी तो आप खुद ट्रैक्टर के सामने आ जा रहे थे, तो क्या ऐसा अनुशासन वहाँ नहीं रह पाया? जो मुझे बाकी इलाकों से अभी आधी अधूरी सूचना मिल पा रही है, क्योंकि मैं खुद इस परेड का हिस्सा हूं, अभी मैं विश्लेषण नहीं करूंगा, केवल हाथ जोड़ के अपील करूंगा आपके माध्यम से, आज तक के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के अपील करता चाहता हूं अपने सब किसान साथियों से, दोस्तों जो रूट तय हुआ है वहीं पे रहना है, और जो साथी कहीं पहुंच गए हैं, कोई लाल किले की तरफ जा रहे हैं, कोई प्रगति मैदान की तरफ जा रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है हमें ये नहीं करना। शांति रहेगी तो किसान जीतेगा, शांति नहीं रहेगी तो किसान नहीं जीत पाएगा। मेरी आप सबसे निवेदन है, मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपील है किसानों से, कहीं रूट से मत हटिए, कोई तोड़फोड़ नहीं। अगर हमारी तरफ से कोई हिंसा होगी हम जीतेंगे नहीं, हमें जीतना है, शांति प्रियता बनाए रखनी है। ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे कुछ हमें ऐसा नहीं करना जो अशोभनीय हो। यही बात यहाँ देखने को मिले योगेंद्र जी, जो उत्साह है लोगों में, खुशी है, अनुशासन है, आप खुद लीड कर रहे हैं, वो कहीं दिल्ली में क्या मिस कर गया कि पत्थर कहाँ से आए, डंडे कहाँ से आए, समझ में नहीं आ रहा है दोनों? मुझे अभी किसी पत्थर डंडे की कोई खबर नहीं है, मैं यहाँ पे परेड में हूँ, मुझे कोई आधी सूचना मिल रही है, और जैसे मैंने कहा विश्लेषण कल परसों होगा, अभी तो केवल निवेदन है कि हमें किसी भी तरह से वापस आइए, डेजिग्नेटेड रूट पे रहिए, आपका जो भी साथी रूट से बाहर जा रहा है उसको रोकिए, हमें इस परेड को शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त करना। आखिरी सवाल है योगेंद्र जी, क्या आधी अधूरी सूचना में क्या सूचना मिल पाई है अभी तक आपको? सूचना अभी ये है कि तीन जगह पे बैरिकेड टूटे हैं, एक तो गाजीपुर के अंदर बैरिकेड टूटा है और कुछ लोग अक्षरधाम की तरफ आए हैं, दूसरा ये जो टीकरी से चल रही है यात्रा वहां नांगलोई में बैरिकेड तोड़ के कुछ 20-50 लोग आगे आए हैं, तीसरा सिंगू बॉर्डर पे ब्लॉकेड हो गया है, वहां लोग रिंग रोड पे भी आए हैं, बदल भी रहे हैं, और जाहिर है इस आंदोलन के साथियों में से एक साथी होने के नाते मैं सबसे अनुरोध करता हूं, भाई जो आपके डिफरेंसेस हों वो बाद में सुलझा लेंगे, फिलहाल जो रूट दिया गया है उस पे चलिए, जो रूट से बाहर भी हैं कोई किसी किस्म की हिंसा नहीं। गलत लोग भी घुस आए हैं क्या? पता नहीं, मैं यहाँ बैठे टिप्पणी करूँ कि कौन घुसाया है, क्या हुआ है, मैं जानता नहीं, लेकिन यहाँ जो शिंगू बॉर्डर पे जो संगठन ने किया है ब्लॉकेट, वो संगठन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है, और हमने पहले से बता दिया था ये शरारत कर सकते हैं, हमारे हिस्सा नहीं है, वहां से हो रही है, बाकी के बारे में सूचना अभी मुझे आ रही है। योगेंद्र यादव यहाँ पर लीड कर रहे हैं, देखा जा सकता है कितना बड़ा काफिला है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई है निश्चित रूप से एक बदनुमा दाग लगा है गणतंत्र दिवस समारोह पर, कि कोई भी व्यक्ति जो देशभक्त है यह स्वीकार नहीं करेगा कि इस तरह से गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश में हिंसा हो, डंडे चलें, पत्थर चलें दिल्ली की सड़कों पर। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि मैं पहले बता चुका था कि कुछ लोग इस तरह की शरारत कर सकते हैं। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, शाहजहांपुर बॉर्डर आज तक। तो शरद कुमार योगेंद्र यादव से बात कर रहे थे, योगेंद्र यादव कह रहे हैं हम पहले से इस बात की आशंका जता रहे थे कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, लाल किले की तरफ अतिरिक्त फोर्स भेजी जा रही है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती लाल किले पर की जा रही है, लाल किला के गेट को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। हालांकि ये सवाल तो अब रहेगा
कि क्या सुबह से लाल किले पर सुरक्षा बल कम थे, वहां पुलिस फोर्स की तैनाती कम थी, जो किसान संगठन इस तरीके की हरकत को अंजाम देने में कामयाब हो गए, इस तरीके की शर्मनाक तस्वीर गणतंत्र दिवस के दिन दिखाने में कामयाब हो गए कि लाल किले पर चढ़कर तिरंगे के अलावा वहां किसान संगठनों का झंडा भी फहरा दिया गया। बहरहाल इस वक्त की खबर यह कि लाल किले की तरफ अतिरिक्त फोर्स भेजी जा रही है। आपको दिखा दें, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में किसान प्रदर्शनकारी अब भी सड़कों पर मौजूद हैं। सभी उपद्रवियों को लाल किले से निकालने के बाद लाल किले के गेट बंद करने के आदेश दिए जा रहे हैं और साथ ही वहां पर अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। ये नांगलोई की तस्वीरें हैं थोड़ी देर पहले की। आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगे हैं पुलिस के और किसान प्रदर्शनकारी उन बैरिकेड्स को हटाने की, धकेल कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, ये ट्रॉलर कहलाता है, ट्रक ट्रॉलर, जिसके ऊपर रखकर बड़े बड़े कंटेनर्स ले जाए जाते हैं, उसे पलट दिया है किसान प्रदर्शनकारियों ने और उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त जो देख रहे हैं नांगलोई की तस्वीरें हैं, जहां जबरदस्त हंगामा, ट्रैक्टरों के जरिए बैरिकेड्स, जो सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनको तोड़ने की कोशिश किसान प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, जोर जोर से ट्रैक्टर्स को टक्कर मारकर। आप देख सकते हैं जो बीच में सड़क के डिवाइडर बना होता है उसको भी तोड़ने की कोशिश किसान प्रदर्शनकारियों के द्वारा की जा रही है। तो एक तरफ दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जहां बवाल पर काबू पाया गया है, वहां से किसान प्रदर्शनकारियों को लौटाया जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जहां से वो चले थे, अब दूसरी तरफ नांगलोई में ये हंगामा इस समय चल रहा है जहां बड़ी तादाद में किसान प्रदर्शनकारी आप देख सकते हैं कैसे बैरिकेड्स को उखाड़ फेंक रहे हैं वहां जहां बैरिकेडिंग की गई है, इसलिए ताकि किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली के अंदर घुसकर अराजकता पैदा ना कर सके।